नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हरियाणा की सफलता के बाद अब हम आ पहुंचे हैं प्यारा हिंदुस्तान की टीम महाराष्ट्र में नागपुर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको मेट्रो की लाइन जाते हुए दिखेगी, उसके नीचे आपको फ्लाईओवर दिखेगा, नीचे सड़क आपको दिखेगी। तो पूरा नागपुर में आपको यहाँ पर मेट्रो सिटी कहा जाता है, फ्लाईओवर की सिटी को कहा जाता है, क्योंकि नितिन गडकरी जी यहीं से आते हैं। और इस समय हम देवेंद्र फडणवीस की सीट नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट पर हैं। कल उनको यहाँ पर यहाँ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अब यहीं के लोगों से हम पता करेंगे कि इस बार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र की जनता का क्या रुख रहने वाला है, क्या वो इस बार फिर से महायुति की सरकार को बनाएंगे, या जो महाविकास अघाड़ी बनी हुई है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की, जो यहाँ पर शरद पवार के नेतृत्व में जो महाविकास अघाड़ी चल उसकी सरकार आई है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या आपका? रवि काळे। अब ये बताइए, इस समय हम नागपुर में मौजूद हैं, 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान है महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही इस बार? बीजेपी की। काम किया बीजेपी ने? हाँ किया है। क्या क्या? गडकरी जी ने काम किया है, बहुत काम किया है गडकरी जी ने। रोड बनाए, ये बनाए, सब है, अच्छा चल रहा है। जो पिछले 2 साल से महायुति की सरकार है यहाँ पर शिंदे जी के नेतृत्व में, काम किया उन्होंने? हाँ काम किया है ना, काम किया, अच्छा काम। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया, हमारी सरकार आ रही है। देखिए, अगर 2 सरकार रहेगे विरोधी पक्ष तो कभी मानेगा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही करके, वो तो ऑब्जेक्शन उठा रहे। जो वो भी रहेंगे विपक्ष में तो वो भी बात करेंगे, ऐसा ही है। तो जब उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब काम हो रहा था आपके नागपुर में? इतना तो नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ, जो होना था जो अभी हो रहा है, और हमारी आशा है कि होगा करके। और अब ये बताइए, बाकी लोगों को क्या अपील करेंगे 20 नवंबर को मतदान के लिए? हम तो यही अपील करेंगे कि अच्छी सरकार लाइए, बस और क्या कर सकते हैं। ठीक है। नाम क्या आपका? नन्हेलाल गुप्ता। तो ये बताइए गुप्ता जी, किसकी सरकार बन रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बीजेपी की बनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा आप? ऐसा काम ही अच्छा कर रहे हैं ना सर। क्या क्या काम किया आपके नागपुर में? नागपुर में तो बहुत ही डेवलप हुआ दादा। पहले और आपके हालात में कितने परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है। अब क्या दिख रहा आपको नया यहाँ? यहाँ नया सब कुछ दिख रहा है ना सर, शासन से लेकर प्रशासन तक सब अच्छे हैं। और उद्धव ठाकरे? नहीं, फेल गिरा था सर। अच्छा, वो तो 2 साल आपके मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले। हाँ, कुछ भी काम नहीं किए उन्होंने तो, जो काम हो रहा था उसको भी रोक के रखे थे। अच्छा, तो उनका कोई चांस नहीं है? नहीं जी, वो तो बाला साहब ठाकरे की बात ही अलग है सर। गरीबों के ऊपर ध्यान रखो, बाला साहब जैसे तो कोई है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं हम उनके बेटे हैं, हमें देंगे लोग। बेटे हैं तो क्या हो गया, उनके राह पे थोड़ी चल रहे हो। तो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कौन ले रहा है? बाला साहब ठाकरे का विचारधारा शिंदे साहब ले रहे हैं। इस बार जो शिव सैनिक है वो शिंदे साहब को चुने? जी हाँ। तो बाकी लोगों को क्या अपील करेंगे 20 नवंबर को जो चुनाव है? सब बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे सब कोई, और जो अच्छे है उनको चुन के लाए। संजय राउत? वो अपनी अपनी मर्जी है सर। ठीक है, मेरा तो होता है। नाम क्या भाई साहब आपका? मानेकर। आपके यहाँ चुनाव है 20 नवंबर को, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है अभी तक? बीजेपी की नहीं आती। तो किसकी आएगी? वो तीनों मिलके आते ना। कौन तीनों मिलके? कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। और कांग्रेस की सरकार चाहिए? कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली। अच्छा, वो आती। तो लेकिन जो शिंदे साहब हैं वो तो कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चल ही नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे। कोई मतलब नहीं उसमें, कोई वैल्यू नहीं उसमें। अच्छा, देख देख। नाम क्या आपका? बबलू बघेल। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, क्या लग रहा माहौल देख के अभी महाराष्ट्र का? माहौल देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, जो अच्छा काम करेंगे वो चुन के आएंगे। तो अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा काम तो ऐसे दोनों सरकार भी कर सकती है, बीजेपी भी अच्छी है और कांग्रेस भी अच्छी है। तो पिछले 2 साल से यहाँ पर महायुति की सरकार है, शिंदे साहब और फडणवीस साहब के मिलकर काम किया उन्होंने? हमारे सिटी में राजूरा तालुका में तो ऐसा कुछ सीएम का तो काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो किसकी सरकार चाह रहे? किसी की नहीं, जो आएंगे वो हमारे लिए अच्छी है। ठीक। आपका नाम क्या भाई साहब? शुभम ठाकरे। तो क्या लग रहा ठाकरे साहब, किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? बीजेपी। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें वोट चाहिए इस बार, वो हम बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगेगा बीजेपी आएंगी। काम किया बीजेपी ने? हाँ, क्यों नहीं किया, बहुत कुछ काम किया है, रोड बनाए, सब कुछ करा है, और क्या और चाहिए, सब कुछ तो चल रहा है काम। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं असली शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ मैं।
तो शिवसेना होने से क्या क्या हो रहा है? काम तो करने वाले हो ना, क्या खाली नाम रख के कोई मतलब नहीं है ना, उसका काम भी होना है। खाली मेरा है करने से थोड़ी होने वाला है। ढाई साल पहले आपके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, काम किया उस समय उन्होंने? वो तो अपने को भी नहीं पता, अभी उनका उधर वो क्या किया उनका उनको मालूम, अपने इधर तो कुछ किया नहीं, अपने को कुछ पता नहीं उतना। पूरे महाराष्ट्र के सीएम थे? हाँ, महाराष्ट्र सीएम पर वो उन्होंने उधर ही ध्यान दिया ना, अपने इधर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया है ना, तो अपन इधर के बारे में तो अपने को कुछ पता ही नहीं है। विदर्भ में तो विदर्भ में तो कुछ करते ही नहीं है कुछ, सब उधर ही करते हैं अपने एरिया में, फिर अभी क्या बोल सकते हैं अपन उसमें। तो बाकी जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, महाराष्ट्र के युवा सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हमारे इधर भी डेवलप करने को चाहिए, हमारे इधर भी काम होने के लिए, हमारे इधर भी कुछ ना कुछ बेरोजगारी है, उनको हटाना चाहिए बस। तो नागपुर में कितना बदलाव देख रहे हैं आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में? नागपुर में तो बहुत बदलाव है, नागपुर तो बहुत डेवलपर हो रहा है, मतलब बहुत बदल गया। हाँ, क्या भाई साहब? राजेश वाडेकर। वाडेकर जी, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल चल रहा है, किसकी बना रहे हैं इस बार सरकार? सरकार कांग्रेस की बना रहे। अच्छा, क्यों बना रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार इसलिए बना रहे कि ये जो बीजेपी सरकार है इसने कैसे, इससे जो गरीब लोग हैं वो बहुत से परेशान हैं। और कांग्रेस सरकार में मजे में थे? मजे में नहीं थे, मजे में कोई सरकार, लेकिन कांग्रेस कैसे सभी को लेके चल रही थी। इसमें कैसा है, सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं की मतलब ये हो रही है, बाकी छोटे लोगों के जैसे कोई रोजगार से है या कोई व्यापार कर रहा है या कुछ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ढाई साल पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी कोरोना काल में, तब सब बढ़िया था? उद्धव ठाकरे की सरकार बोलो तो वो एक महाराष्ट्र सरकार हो गई, ये राज्य सरकार की जो बात है, क्यों राज्य सरकार में जैसे जैसे बीजेपी है अभी, अब पूरे देश में बीजेपी का ये है, तो मतलब इसमें कुछ लोग सहमत से सब सहकुशल है। नहीं नहीं, ढाई साल पहले तो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में? नहीं नहीं, कांग्रेस की, कांग्रेस शरद पवार और आपके उद्धव ठाकरे की थी। अरे हाँ, तो पूरी सरकार मिक्स गठबंधन वाली सरकार ही थी वो, थी तो कांग्रेस समर्थित ना। हाँ। लेकिन काम किया आपके लिए? अरे यहाँ पे इतनी तकलीफें है ना अभी हम लोगों को, मतलब दो साल पहले नहीं थी? नहीं थी हमको। अच्छा, दो साल पहले सब ठीक था? सब ठीक था। मीत डावर जी, ये बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव है आपके, किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? जिसके इसमें दम होगा वही आएगा ना। दम किस में आएगा? बीजेपी आएंगी फिर। बीजेपी आएगी? बगल में आपके बोल के गए हैं कि बीजेपी की नहीं आनी चाहिए, वो बोल रहे ना वो, तो भैया अभी सत्ता बीजेपी की है तो बीजेपी चाहेंगे ना। काम किया बीजेपी ने दो साल में? काम किया ना, बहुत काम किया। क्या क्या अगर आप बता पाए? रोड बनाए, ब्रिज बनाए, बहुत काम किया। ठाकरे जी हैं वो भी कर रहे काम, जबरदस्त काम कर रहे हो। तो कांग्रेस के साथ हैं? हाँ, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक। आपका नाम क्या भाई साहब? एजाज। क्या लग रहा है एजाज जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार महाराष्ट्र में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? बगल में आपके बीजेपी वाले हैं? वैसी है वो, उनकी सोच वो, हमारी सोच ये। आपकी सोच कैसे अलग हो गई? अब हमारी सोच ऐसी, हमारा रोजगार छीने जा रहा है ना, ये बीजेपी की सरकार है अभी और हमारा रोजगार में नहीं है, दुकान लगाने जगह नहीं मिल रही। कब से? 25 ये करीब करीब एक साल हो गया हमको भी दुकान, हमारा रोजगार छीन गया है। यहाँ पे सरकार बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इसी के वजह से हम बेरोजगार बैठे हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा अगर हमको सपोर्ट कर देंगे तो सरकार कोई भी आए, पर गरीबों के बारे में सोचना चाहिए ना। नागपुर कितना बदल गया पहले से अब? खैर नागपुर तो बदला है, लेकिन नागपुर के बदलने से अपना पेट नहीं भरता ना, है ना, भरता क्या? नागपुर में आज ब्रिज बन रहे है, जो रोड बन रहे है, इससे ये हमको खाने को देंगे क्या? हमको इसलिए हमको रोजगार होना। तो जब उद्धव ठाकरे जी आपके मुख्यमंत्री थे ढाई साल पहले, तब काम किया था आपके लिए उन्होंने? जी बिल्कुल किया था, ये कम से कम ये परेशानी तो नहीं थी हमको, हमको यहाँ से दुकान से फुटपाथ से उठाया तो नहीं जा रहा था। लेकिन अभी तो यहाँ पर ऐसा है कि फुटपाथ हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ वाली सरकार चल रही है अभी। ये तो बात सही है। नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद दानिश इकबाल। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। कैसे आ रही कांग्रेस? कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, यहाँ तो उद्धव ठाकरे अपने को चेहरा बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बताने नहीं होगा, काम कर रही कांग्रेस, इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी। कैसे आएगी? उनकी विकास आगे बढ़ रही है अब। अच्छा। राहुल गांधी में पावर दिख रहा है, यंग मैन है ये, ओल्ड हो चुके, इनको घर में बैठने की जरूरत अब है। जैसे 70 साल की नौकरी में इनको हटा दिया जाता कर्मचारी को, इनको भी अब हटाया जाएगा।
वो तो हट ही नहीं रहे, जनता चुनी जा रही है, जनता चुनी जा रही, वक्त बदलता है, सुबह से शाम होता सूरज निकलती है तो डूबती जरूर है, हर चीज का एक वक्त होता है। जब 2.5 साल पहले आपके यहाँ उद्धव ठाकरे कांग्रेस की सरकार थी तब सही था, बंधन था, ठीक था, चटनी रोटी मिल रही थी, शांति से बैठे थे, दुकान पे खड़े रहते थे, अपने रोटी रोजी से लगे थे, 4 लोगों के बीच नहीं बैठते थे। अभी बेकारी है तो कुछ भी उल्टा सोच लेते अपन।